हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आज मैंने सोचा क्यों ना मेरे आईफोन से मैं पूरा दिन आज व्लॉग करूं। और अभी मैं बना रही हूँ खाना, क्योंकि मुझे जाना है जल्दी से सलून, क्योंकि कल है करवा चौथ, सो फुल ऑफ कस्टमर से भरा हुआ है सलून। इसलिए तो यहाँ पर मेरी भिंडी की सब्जी बन रही है और यहाँ पर मैं आटा गूंथ रही हूँ। चिकोर हम दोनों के ही खाना खाना है, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना सब्जी और रोटी बना देती हूँ। और मेरी पूजा भी करनी बाकी है, तो अब मैं ये फटाफट से खाना बना के फिर पूजा कर लेती हूँ और फिर डायरेक्ट निकलती हूँ सलून के लिए। अभी 10 बज रही हैं तो थोड़ा जल्दी काम निपट जाएगा, तो जल्दी जल्दी से काम निपटाते हैं और सलून चलते हैं। मस्त आटा भी गूंथ चुका है और यहाँ पर मैंने मेरे रोटी बनाने का सेटअप लगा दिया, जैसे कि यहाँ पे चकला रख दिया है, तवा रख दिया है। तो फटाफट से फुलके उतार देते हैं और फिर चिकू को बोलूँगी खाना खाने आ जाएं। हालांकि अभी गए शॉप पे, पर वो आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। उनको मैं बोलूँगी टाइम से आ जाओ खाना खाने, क्योंकि उनको पता है अगर मैंने लेट कर दिया तो ये खुद ही पूरी लेट हो जाएगी। और यहाँ पर सब्जी में मैंने मसाला भी डाल दिया है। और हमारे मिट्टू राजा क्या कर रहे हैं, एक भाई साहब तो खाना खा रहे हैं, एक भाई साहब सो गए हैं पीछे मुँह डाल के, क्योंकि इनकी आदत ऐसी है, इसी टाइप से ये सोते हैं। और मेरा नहाना भी अभी तक बाकी है, तो खाना बना के फिर नहाती हूँ। और कल वापस करवा चौथ भी है, तो करवा चौथ का सारा पूजा का सामान भी लेने जाना है। खुद के भी कुछ हुआ नहीं है, देख लो आईब्रो, आईब्रो कुछ भी बनी नहीं है, आईब्रो बाकी है, अपर लिप्स भी आ गए, फेशियल बाकी है, सब कुछ बाकी है, काम वैक्सिंग वगैरह ऑल ओवर कम्प्लीट सब बाकी है। देखती हूँ हो पाता तो ठीक है, नहीं तो ओनली फॉर आईब्रो, आईब्रो ही बन गई तो भी कितना काम हो जाएगा यूँ लग रहा है। और कपड़े भी डिसाइड नहीं हुए अभी तक। मैं चिकू का सुबह तो आधा माधा खा चुकी हूँ, क्या पहनूँ क्या पहनूँ क्या पहनूँ, वो बोले कुछ भी पहन लो अच्छा ही लगने वाला है, पर डिसाइड हुआ नहीं अभी तक। अब डिसाइड भी करती हूँ, मेहंदी भी लगवानी है, देखो आज क्या क्या होता है। मैंने नहा लिया है और अब मैं करने बैठ गई हूँ पूजा। और पूजा में यहाँ पर अभी मैं कान्हा जी को नहलाने वाली हूँ, माता जी को नहला दिया, गणपति जी को नहला दिया है, तो कान्हा जी की बारी है, तो कान्हा जी को नहला देते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी हो चुकी है पूजा और अभी चिकू को भी मैंने फ़ोन कर दिया है, तो हम दोनों का मैं खाना लगा देती हूँ यहाँ पर। और दोनों प्लेट्स निकाल दी है मैंने, यहाँ पर ये दही है, दही भी साथ में खाने में मज़ा आता है, इसलिए मेरे तो क्या जल्दी जाना था शॉप पे। और चिकू के शॉप पर आ गए हैं कस्टमर्स, तो चिकू लेट हो गए हैं, तो मैंने फटाफट से खाना खा लिया है, अब चली जाती हूँ शॉप पे। जो भी फ्री होगा वो मुझे रख देगा, क्योंकि अब दोनों जनों का टाइमिंग ही सेट नहीं हो रहा था, इसलिए साथ में खाने वाला बना नहीं। मैं चली जाती हूँ, रोशनी भी आ गई है आज, आ चुकी हूँ अभी शॉप पे। और अब मैं सोच रही हूँ मेहंदी लगवा देती हूँ, क्योंकि रोशनी ने भी इसके मेहंदी लगवा दी है। एक मिनट, हाँ दोनों में लग गई, मेरे तो मस्त तैयार होकर बैठ गई है करवा चौथ के लिए। मेरे मेहंदी लगनी बाकी है, तो मैं बुलवा देती हूँ मेहंदी वाले को, यहीं लग जाएगी मेरा मेहंदी, तो जैसे ही क्लाइंट स्टार्ट होंगे तब तक तो सूख भी जाएगी, क्योंकि पंखे के नीचे बैठ जाऊँगी लेके हाथ। तो अभी मैंने मेहंदी लगाना तो कैंसिल कर दिया है, क्योंकि मेहंदी लगाने वाले जो दीदी हैं वो 2 बजे आने वाले हैं। सो इतनी देर में मैं मेरे जो मैंने मुझे कल साड़ी पहननी है उसकी तैयारी कर देती हूँ। सारे ब्लाउजेस की फिटिंग बिगड़ी हुई है, तो इनको लेके जाती हूँ, सही फिटिंग करवाती हूँ। कल जो भी साड़ी पहननी है इसमें से ही वो फाइनली डिसाइड तो हो जाएगी लास्ट टाइम पर मुझे, नहीं तो लेके दौड़ना पड़ेगा। तो अभी रोशनी और हम दोनों मार्केट जा रहे हैं। रोशनी और मेरे दोनों का जाना हुआ कैंसल, मैं और नेहा दोनों जने जा रहे हैं। मेरा करवा भी इतना अच्छा नहीं है, तो मैं नया करवा लेते हुए जाऊंगी, और बाकी भी बहुत सारे काम है, साड़ी भी मुझे लानी है, तो वो भी मैं लेते हुए फिर हम जाएंगे मार्केट से। चलते चलते जा रहे हैं, रोशनी को हमने यही रखा है क्योंकि कस्टमर आने वाले हैं, ये बेटी बेटी अटेंड करेगी, तो 2-3 दिन नहीं आई है, उसकी पनिशमेंट है। पेटीकोट लाना है, पेटीकोट में करवा भी लाना है, सामान भी लेना। सामान तो क्या पूजा में का, I know I should have known. Right now you're not alone. I don't wanna get in trouble. हम जा रहे काले होने के लिए। उधर जुबास नहीं पड़े। थोड़ा सा बल्ले होने लगे। सराड़ा होने लगे। अच्छा। डिजाइन ये चौकर वाली ज़्यादा अच्छी लग रही है नहीं? हाँ ये वाली ज़्यादा। ये पूरी चेक करवा दो।
ये कौन सी है? अच्छा ठीक है, ये इनका निकाल दो। ये चाहिए, एक ये चाहिए, एक मेहंदी का फोन चाहिए, मेहंदी का फोन पूजा को भी ले लेते साथ। आज की शॉपिंग करके कर रहा है, शॉप पे आ गई हूँ अभी। यहाँ पर लग रही है मेरे मेहंदी, और ये मायरा भी आई है हमारे शॉप पे। इधर आ जाओ इमी, मैं पच आजू बेटा, आजू 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 आजू। हाय कर तू, बोलो ना मुझे, कौन ले रहे, कौन दिखा दो, कौन कौन दिखा दो, कौन मायरा के भी अभी मेहंदी लगाएंगे। ओके मेहंदी अभी पैरों पर लग रही है, तब तक हाथों में वैक्स हो जाएगा, हाथों में भी लगवा दूंगी। मेरी मेहंदी लग रही है अभी, पैरों पे तो लग गई है, हाथों पे भी अभी आधी अधूरी लग चुकी है। एक हाथ पे आप देख सकते हो कितनी सुंदर मेहंदी लगी है। इस बार तो मेरे को इच्छा हुई पूरी भर के लगवाती हूँ मेहंदी, तो इस हाथ पे लग रही है, याद हो नहीं बेटा। और यहाँ पर अभी मेरे करवा और छन्नी और ऐसे थोड़े बना रहे हैं, फोटो बना रहे हैं। ये कशिश पंचाल मेरे मेहंदी लगा रही है, बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है, जैसे कि आप देख सकते हो बहुत मस्त मस्त डिजाइंस लगाई है, और भी अच्छी डिजाइंस बनाती है, ब्राइडल्स की भी बनाते हैं, साइडल्स की। थोड़ा फेस दिखा दे दो। हाँ थोड़ा फेस। ये है कशिश पंचाल, अगर आपने से किसी को भी मेहंदी लगवानी है तो आप इनसे कॉन्टेक्ट करना। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टा आईडी दे दूंगी, वहाँ जाके आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हो। तो जब तक अब मेरी पूरी मेहंदी लगती है तब तक मैं ऐसी बड़ी देती हूँ, थक गई हूँ मैं मेहंदी लगवाते लगवाते। कल पानी नहीं मिलने वाला, याद रखना। आज खाने की इच्छा होगी इसलिए अभी मंगवाया हमने पिज्जा, और हमारी नेहा नहीं खाती है पिज्जा, खाएगी आज तो। नेहा नेहा पिज्जा खाएगी, खा ले, नहीं हो जाएगी जड़ी एक दिन में। ये पिज्जा पूरा टेढ़ा मेढ़ा करके ले आएगी। हाथों में मेहंदी लग चुकी है कम्प्लीटली, और मैं थक गई हूँ बैठ बैठ के। बाकी तो कुछ भी हुआ नहीं, हेड पे वैक्सिंग ले ली थी फटाफट भावना और नेहा ने दोनों ने। अब मेरे आईब्रोज बनानी है तो वो भी नेहा बना देगी, रोशनी पकड़ के रखेगी, चिकू का नाम भी लिखा है, लेकिन चिकू बनाया नहीं, चिकू बनाया नहीं, बना रहे यार गोल ही बनाना था, वो गोल गोल तो बहुत बना, ये सारे चिकू ही है, चिकू के जाड़ बना है ये चिकू। सो अभी फटाफट से आईब्रो बनवा देते हैं और फिर जाते हैं घर पर, टाइम भी हो गया, कितनी बजे, हमारी आईब्रो बन चुकी है और नेहा मैडम ने बना दी है। नेहा इतना झूठ बोल के लॉग में मत डालना, मैं कह दूंगी रेंदे रेंदे कोई चमड़ी नहीं है, इतनी अच्छी आईब्रो बनाई मैंने। बस रोमा दीदी इतना झूठ बोल के लॉग बनाओगे यार, सब लोग क्या कहेंगे आपको। ये दिन आईब्रो बनाई है, यहाँ से उड़ा दी है, और ये देखो गैप, इतना झूठ बोल रही है, बनाई आईब्रो उड़ाई नहीं, बनाई उड़ाई देख ले, अच्छा देख ले, यही बाल उड़ा देख ले, एक एक ये साफ दिख रही है देखो। हालांकि रोशनी इतना जोर से चिल्ला रही है, किसी की आवाज आएगी नहीं, दूसरे किसी की सुनाई देगी। मैंने अच्छी बनाई है, मेरे तो बाल ही नहीं आएंगे रुमा दीदी, आपके पूरा टाइट बाल है, ऐसे कहेगी कस्टमर को लग गई हमारे दोनों की मेहंदी, देख लो मेहंदी मछली वाली हाथों में घेरी मेहंदी लग गई है, इतना पति और इन्हें साथ संवार रहे हैं, पति तो इसमें कुछ भी नहीं कर रहे हमारे लिए, व्रत भी हम रख रहे हैं, सज भी हम रहे हैं, मेहंदी भी हम लगवा रहे हैं, सब हम ही कर रहे हैं, पैसे भी हमारे खर्च हो गए। आपकी मेहंदी बताओ, छकल पे 12 बजी है। ये कहीं नींद में उठ के आए, मेरे को आज वो एक कस्टमर है मुझे कि आपके ऊपर तो छतरा कुछ ज्यादा ही लग रही है। हाँ, वो खाना पूरा डाइनिंग पे रख के गिर गए पड़े बेचारे, भाई जी ने चाबी कहाँ कहाँ दे दी थी, तो खाना हो ही नहीं पाया आज तो, फिर इन्होंने बाहर नाश्ता करके ही पेट भर लिया, वो बना हुआ खाना ले गया, दूध भी दो पीछे थोड़ी सूखनी बाकी, इसलिए एकदम अभी धो नहीं सकती, खाने की तैयारी करनी है, पर खाने क्या लाऊं, पिज्जा ले पिज्जा ले पनीर वाला।
पापा कल लाए थे। क्या खाना? क्या खाना बेटा? डोन पापा। पिज्जा खाना? पिज्जा खाना? क्या खाना? खाना क्या है बोलो? क्या खाना है? पनीर पिज्जा। मैगी नहीं खाते बेटा। ये एचे एचे क्या पूछ रहा मिट्टू को? खाना खाए है? हाँ पूछो। ये मिट्टू ये इसको पूछो ना इनका कलर आ गया क्या नाम का रखे इसका उदय उदय नहीं इनका नाम क्या रखे मिट्टू मिट्टी रख दे मिट्टी राजा रानी रख दे दो साल बाद नाम रखे वाह क्या बात है पांच साल बाद तक अपनी शादी की एल्बम नहीं आ सकती है दो साल बाद नाम तो रखे जा ही सकते हैं सो फ्रेंड्स आज तो मेहंदी लगी हुई है इसलिए खाना बनेगा नहीं तो आज खाने में पिज़्ज़ा आया है घर पे और हिमायरा को भी पिज़्ज़ा खाना था अच्छा बेटा हिमी कम हियर हिमी के लिए लाए वो पिज़्ज़ा तो क्या चाचा हिमी के लिए पिज़्ज़ा लाए आचो ये लो हिमी के लिए पिज़्ज़ा खा लो नो इधर इधर आ जाओ खा लो चाची के साथ अच्छा 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 बेबी बेबी चलो बेटा ओरिगेनो चिली फ्लेक्स डाल के दिया तो पिज़्ज़ा इंजॉय करते हैं और चिकू बोल रहे जैसे कि बहुत अच्छा है तो खा के फिर मैं आपको बताती हूँ कि टेस्ट कैसा लगा और मैन क्या ब्रेड रहती है ब्रेड ये रेडीमेड वाली बहुत कड़क कड़क लगती है पर ये सॉफ्ट सॉफ्ट लग रही है एकदम खा लो ये हाँ ये भी खाओ सब खाओ सब सब एक साथ ऐसे ऐसे मिक्की मिक्की तिखन लग जाता है तिखन खाओ अब हाँ अच्छे ये खा लो खा लो हमारा पिज्जा कैसा था पिज्जा अच्छा था चिकू भैया तेरे थोड़ी होते हैं तेरे चिकू चाचू होते हैं तो फ्रेंड्स हमने पिज़्ज़ा खा लिया है बहुत ही ज़्यादा यम्मी पिज़्ज़ा था टेस्टी था पानी पी लेते हैं हिमायरा प्यास लग गई है तिखन लगा है कौन सा पानी पी रहे अपन केंगेन वाटर नहीं बोलता ये देखो फ्रेंड्स पूरा नीचे जब मेहंदी लगती है ना तब यही दिक्कत है बेड पे घर में हर जगह पे मेहंदी की मेहंदी हो जाती है रूम में तो हो ही गई है बाकी जगह पे तो मैंने झाड़ू लगा के क्लीन की है और इन मैडम का तीसरा राउंड है इनके घर से यहाँ पर तीन बार मुझे लेके गई है और तीन बार मेरे साथ वापस आई है कि चलो वापिस अब बोल रही है चलो वापस जाते हैं अपन यूँ जाएँ घर पे जाएँ क्या हुआ तू लेने नहीं हूँ कुछ कह रही है तू रहने दे ही हूँ वापिस आओगे हाँ भी बोल रही है मेरे वापिस आओगे हाँ तो जा क्यों रहे यहीं सोओगे चलो जाते मेरे को छोड़ने गई थी फिर वहीं पर मुझे टाइम हो गया था तो मैं 11 बजे मेरे घर आई हूँ और घर आने के बाद फिर चिकू और मैं दोनों बातें कर रहे थे तो बातें करते करते कैसे 12 बज चुकी है और 12 बज चुकी हैं अब सो जाती हूँ नहीं तो जगूंगी इतनी भूख लगेगी और अब करवा चौथ भी स्टार्ट हो गया है तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ और यहीं पर कर देती हूँ मैं ब्लॉग का एंड अगर आज का ब्लॉग देखने के बाद अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना शेयर कर देना कमेंट करना सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को थैंक्स फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग मिलते हैं कल के अच्छे से ब्लॉग में करवा चौथ वाले ब्लॉग में बाय Thank you.